हेलो चिल्ड्रन, हाउ आर यू? कैसे हो आप? आई एम रति। मैं आपका फर्स्ट चैप्टर फिर से आगे कंटिन्यू करूंगी। हमारा फर्स्ट चैप्टर है वेयर टू लुक फ्रॉम। मैंने आपको इंट्रोडक्शन इसका बताया था और आपको ये भी बताया था कि इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले थे हम, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ। हमने देखा था कि डिफरेंट टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट व्यू, ऑब्जेक्ट के जो डिफरेंट डिफरेंट व्यू है उसके बारे में हम पढ़ेंगे इसमें। और आपको बताया था कि पैटर्न्स, लास्ट में जो लेक्चर बताया, लेक्चर किया था उसमें आपको मैंने ये दो चीज़ें बता दी थी, डिफरेंट टाइप ऑफ व्यू और हमारे कौन कौन से व्यू थे, टॉप व्यू, फ्रंट व्यू, साइड व्यू और बैक व्यू। और आपको पैटर्न्स के बारे में बताया था, क्या होती है ये पैटर्न, रिपीटेड डेकोरेटिव डिजाइन, जो हम रिपीट करते हैं वही डेकोरेटिव डिजाइन होती है। और आपको मैंने बताया था डिफरेंट स्क्वायर और ये सब रेक्टेंगल जो शेप्स होते हैं उसको भी डॉटेड डॉट के ऊपर हमने ड्रॉ करना सीखा था। अभी वही डॉट को डॉट पे हम क्या क्या यानी ड्रॉ कर सकते हैं वही हम आगे देखेंगे। देखिए हमारा क्वेश्चन है ऑन द डॉट ग्रिड गिवन ब्लो, यहाँ पे एक डॉट ग्रिड दी हुई है और ड्रॉ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट, ये जो है ऑब्जेक्ट यहाँ पे दिए हुए हैं इन्हें हमें ग्रिड पे ड्रॉ करना है। तो देखेंगे हम वन बाय वन कैसे इसे डॉट ग्रिड पे ड्रॉ करते हैं। फर्स्ट है काई, सेकेंड लीव, काई लीव, फ्लावर, बोन, स्टार एंड पॉ। हमें ये कैसे ड्रॉ करना है वो हम देखेंगे। फर्स्ट देखिए कि ड्रॉ काई, हम काई को ड्रॉ करेंगे। अब आपको पता है काई कैसी होती है, देखिए यहाँ पे वन टू थ्री, ये थ्री डॉट है, वन टू थ्री, हम यहाँ से ही वन टू थ्री एंड वन टू थ्री और ये हो गया हमारा फोर। हमने ये काइट का यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। और फिर काइट यहाँ से कैसी होती है, ये वन टू एंड यहाँ पे हमने इसे बंद कर दिया, तो ये हमारी एक काइट बन गई है। हमने डॉट ग्रिड पे क्या ड्रॉ किया, काइट ड्रॉ करी। अब इसके अंदर जो डॉट्स बने उसके भी कोई डिजाइन बना सकते हो, तो ये हमने एक काइट ड्रॉ करी है। अब हम आपको बताएंगे लीव कैसे ड्रॉ करेंगे। ये देखिए ये डॉट से हम यहाँ पे लीव ड्रॉ कर रहे हैं, वही हमारी लीव। ओके, यहाँ पे हम यहाँ पे फ्लावर भी ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए ये वाला डॉट, ये डॉट, ये डॉट, डॉट को हम ज्वाइन करते जाएंगे तो हमारे यहाँ पे क्या बन गया, फ्लावर बन गया है। ऐसे में आपको यहाँ पे एक पॉट ड्रॉ करके, यहाँ पे हमारे सब ऑब्जेक्ट नहीं आएंगे, आपको बोर्ड स्टार ये सब ड्रॉ करके देखना है। मैं आपको एक पॉट ड्रॉ करके बता देती हूँ। देखिए यहाँ पे फ्लावर इस टाइप से भी हो सकता है, इसके अंदर हम फ्लावर रख सकते हैं। ये एक फ्लावर पॉट ड्रॉ किया है और आप फ्लावर पॉट इस टाइप का भी ड्रॉ कर सकते हो। देखो इस टाइप से भी हो सकता है फ्लावर पॉट। तो हमने क्या करा है, यहाँ पे काइट ड्रॉ करी, लीव ड्रॉ करी, फ्लावर ड्रॉ किया है। क्या क्या ड्रॉ किया है, काइट ड्रॉ करिए, लीव ड्रॉ करिए, पॉट ड्रॉ किया, पॉट में टू टाइप से ड्रॉ कर दिए, यहाँ पे फ्लावर। तो आपको क्या करना है, डॉट ग्रिड का यूज करके डिफरेंट डिफरेंट जो आपके ऑब्जेक्ट होते हैं उन्हें ड्रॉ करना है। ये चीज़ हमने यहाँ पे देखी। आपको मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि कैसे रंगोली ड्रॉ करते हैं। अब हम यहाँ पे आगे बढ़ेंगे, इसमें पेज नंबर 7 है बुक में, इसमें एक स्टोरी है। तो इस स्टोरी में हम क्या समझने वाले हैं, मिरर हाफ। मिरर हाफ क्या होता है, व्हाट इज अ मिरर हाफ, ये मिरर हाफ को हम इस स्टोरी में समझने वाले हैं। तो देखिए मिरर हाफ, ऑब्जेक्ट आर द सेम ऑन बोथ साइड ऑफ अ लाइन, कोई लाइन है
वही स्टोरी है हमारी, आप केयरफुली लिसन केयरफुली, आप लोग ध्यान से सुनेंगे। वन डे अमीना मीटर पेंटर, क्या है, अमीना एक दिन एक पेंटर को मिली और उसने उसे कहा कैन यू मेक माई पिक्चर, क्या तुम मेरा पिक्चर बनाओगे। तो पेंटर क्या बोलता है, यस सर आई चार्ज 200 रुपीज फॉर इट, मैं तुम्हारा पिक्चर जरूर बनाऊंगा और इसके लिए मैं आप तुमसे कितने रुपीज चार्ज करूंगा, 200 रुपीज। ओके, आफ्टर अ वाइल द पेंटर सॉ हर द पिक्चर, पिक्चर बनाने के बाद में अमीना को पेंटर ने उसका पिक्चर बताया। अब यहाँ पे मैं आपको पिक्चर इस टाइप से इसमें से बता देती हूँ बुक में से, आप ध्यान से देखिए ये जो पोर्शन में ये पेंटर बता रहा है और ये अमीना की पिक्चर बता रहा है। तो पेंटर ने क्या किया है, पेंटर ने यहाँ पे देखो, पेंटर ने जो पिक्चर बनाई है वो अमीना की हाफ पिक्चर बना दी है, उसकी आधी पिक्चर बनाई है, यानी अमीना का उतना ही पोर्शन ड्रॉ किया है और एक पोर्शन उसने छोड़ दिया है। समझ में आ रहा है ना, अमीना का फोटो उसने कैसा ड्रॉ किया है, उसने अमीना की जो पिक्चर ड्रॉ करी है वो आधा ही ड्रॉ करा है और आधा छोड़ दिया है। अमीना हाउ डू यू लाइक इट, देखो अमीना को पिक्चर बताता है और बोलता है क्या तुम्हें ये पिक्चर पसंद आई है, बस दिस इज ओनली हाफ, अमीना अपना पिक्चर देखती है और बोलती है ये तो आधी ही बनी हुई है, द अदर हाफ इज एग्जैक्टली द सेम, सो जस्ट पुट अ मिरर टू गेट द कंप्लीट पिक्चर। पेंटर उसे क्या बोलता है कि जो आधा पार्ट मैंने बनाया है उसका आधा पार्ट उसके जैसा ही है, इसलिए तुम क्या करना आधे जगह पे अपने मिरर रख लेना और मिरर में आपका पिक्चर दिखाई देगा, तो पिक्चर को देख देख के आधा ड्रॉ कर लेना। वो अमीना को ऐसा बोलता है, नाउ कैन आई हैव माय मनी, तो ले लो आपकी पिक्चर और मुझे अपना चार्ज जो मैंने 200 रुपीज बोला था वो मनी मुझे दे दो। ओके, अमीना गेव हिम 100 रुपीज नोट, अमीना क्या करती है उसको 100 रुपीज का जो है वो नोट दे देती है। तो क्या बोलता है जो पेंटर, पर दिस इज ओनली हाफ द मनी, और ये जो मुझे आपने मनी दी हो तो आधा ही है, मेरा चार्ज तो 200 रुपीज था और तुमने तो मुझे आधा ही पे किया है। तो अमीना कहते थे देखिए द अदर हाफ इज एग्जैक्टली द सेम, जो आधा हाफ है वो बिल्कुल इसके जैसा ही है, सो जस्ट पुट अ मिरर नेक्स्ट टू द नोट टू गेट द फुल मनी, और वो हंसने लगती है हा हा हा। क्या बोलती है अमीना, आप इस नोट को मिरर के सामने रख दो और इसका जो आधा पार्ट होगा वो मिरर में दिखाई देगा वो सेम इसके जैसा ही होगा, तो वो तो रख लेना। तो जैसे किट फॉर टैट, अमीना जैसे को वैसा ही ट्रीट करती है। तो यहाँ पे आपको क्या पता चला कि अमीना को आधा पिक्चर देता है तो अमीना भी उसे आधा ही मनी देती है। तो आपको पता चला कि मिरर हाफ क्या होता है, ये स्टोरी से मैंने आपको बताया कि मिरर हाफ क्या होता है, किसी इमेज का जो आधा पोर्शन होता है वो सेम उसके जैसा ही हो वो उसका मिरर हाफ होता है। अब देखिए मिरर हाफ के लिए मैंने यहाँ क्वेश्चन नोट किया है, ड्रॉ द अदर हाफ ऑफ दिस पिक्चर एंड फाइंड आउट व्हाट दिस थिंग आर, यहाँ पे मैंने पिक्चर ड्रॉ की हुई है, यानी पिक्चर को जो ड्रॉ करना है उसका आधा हाफ पार्ट आपको ड्रॉ करना है तो वो उसका मिरर हाफ होगा। ओके, देखिए यहाँ पे, यहाँ पे बटरफ्लाई है आपको दिख रहा है, ये इसका हाफ पार्ट है, हमने सेम यहाँ पे ड्रॉ कर देती हूँ, ये देखिए मैं सेम ड्रॉ कर रही हूँ, यहाँ पे हम इसे ड्रॉ कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे 1 मिनट इसके लिए जगह नहीं है, यहाँ पे हमें इसे यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे, सेम देखिए मैंने इसके जैसा ही ड्रॉ करा है, इसके जैसा ही ड्रॉ किया है और ये, और यहाँ पे मैं इसको ड्रॉ कर इधर निकाल सकूँगी तो इधर निकाल सकूँगी, आपका ये हाफ पार्ट ड्रॉ किया हुआ था और मैंने मिरर का हाफ पार्ट ड्रॉ कर दिया है, तो ये वाले पार्ट का ये मिरर हाफ होगा। अब यहाँ पे देखिए फेस है केट का, केट का फेस है तो मैं इसकी तरफ से इसमें यहाँ पे आधा देखिए ये
फ्रॉम मिरर आर, मीन्स हम यहाँ मिरर को ऐसा ढक देंगे तो ये वाला पोर्शन हमें मिरर में दिखाई देगा। कैसा दिखाई देगा? इसलिए जैसा दिखेगा। अब यहाँ पे स्टार है, हम स्टार का मिरर रख देंगे। देखो यहाँ पे इसका यह हाफ पोर्शन है। अब हम सेम टू सेम ड्रॉ कर लें। ये देखिए, फिर ये ड्रॉ किया, फिर ये ड्रॉ किया, फिर ये ड्रॉ किया, ये और ये कंप्लीट हो गया स्टार हमारा। ये इसका जो ये पोर्शन है सेम टू सेम इसका ये हाफ पार्ट है। आपको समझ में आ रहा होगा ऑब्जेक्ट आर द सेम ऑन बोथ साइड ऑफ द लाइन। लाइन के दोनों ही तरफ ऑब्जेक्ट हमारे कैसे होने चाहिए? सेम होने चाहिए। ओके, अब यहाँ पे देखिए एक फिश का पिक्चर है, अब ये इसका हाफ पिक्चर है। Yeah,
यहाँ पे चलिए ये पिक्चर देखिए, इस पिक्चर में यहाँ पे एक पिक्चर है और जो मैंने ये लाइन से ऐसा मिरर आप कर दिया है, तो ये दोनों ही साइड में पिक्चर कैसे दिख रहे हैं हमें, सेम दिख रहे हैं, तो ये भी इसका मिरर आप होगा, ये भी क्या आएगा राइट। अब यहाँ एक काइट बनी हुई है और काइट को मैंने डिवाइड कर दिया डॉटेड लाइन से, तो ये डॉटेड लाइन से डिवाइड करने के बाद दोनों साइड जो है इसके बोथ साइड आर इक्वल, तो ये इसके सेम टू सेम है, तो ये इसके मिरर हाफ होंगे। अब यहाँ पे देखिए रेक्टेंगल है और रेक्टेंगल को हमने कैसे डिवाइड किया है, डिस्टेंस से डिवाइड किया है और उसके दोनों साइड जो है वो सेम है, एक दूसरे के मिरर इमेज है, तो वो भी आपका हो जाएगा राइट। देन अभी हमने क्या देखा मिरर हाफ क्या होता है और हम कैसे किसी ऑब्जेक्ट को उसके मिरर हाफ में डिवाइड करते हैं, हमने मिरर हाफ की जो इमेज है वो बनाना भी सीख लिया और मिरर हाफ भी हमने करना सीख लिया है। ओके यहाँ पे मैं आपको क्वेश्चन दिखा रही हूँ, उस क्वेश्चन में सभी पिक्चर बनी हुई है, पहले से ही पिक्चर बनी हुई है और उसको आपको डॉटेड लाइन से मिरर हाफ उसका करना है। ओके देखिए यहाँ पे दिख रही है आपको, यहाँ तो बहुत सारे पिक्चर है तो मैं आपको वन बाय वन बताते जाऊँगी। पहले हम सब पिक्चर देख लेंगे, यहाँ एक फॉर्म का पिक्चर है, एनवेलप का है, यहाँ पे एक बना हुआ है, यहाँ एक सीजर का पिक्चर है, बटन, एक केटल का पिक्चर है, पेंसिल, कप, एक क्राउन है, यहाँ पे एक टॉप का पिक्चर है, ऊपर का जो शर्ट जैसा होता है उसका पिक्चर है, यहाँ पे एक बेल बनी हुई है, यहाँ पे एक हार्ड डिस्क बनी हुई है, यहाँ प्लेन का पिक्चर है और ये जो स्क्रू वगैरह को बनाते हैं ना फिट करते उसका पिक्चर बना हुआ है, यहाँ पे नंबर है, टू नंबर का पिक्चर है और यहाँ पे गॉगल्स जो हम लगाते हैं उसका पिक्चर है, सनग्लास का। अब ये यहाँ पे एक ब्रीफ केस है और यहाँ पे एक प्रेस जो होती है आप आयरन करते हो कपड़ों को उसका पिक्चर है और यहाँ पे एक अम्ब्रेला का पिक्चर है और यहाँ पे वॉल क्लॉक बनी हुई है। ओके तो वन बाय वन देखिए हमें इसके मिरर हाफ करने हैं। देखिए कॉम कॉम का हम यहाँ पे डॉटेड लाइन करेंगे, हम आपको इसको पेन से समझाते हैं, ठीक है। इसका भी मिरर हाफ हो रहा है, इसका मिरर हाफ नहीं होगा। अब यहाँ पे
नहीं होगा और ये क्लॉक का भी मिरर आप नहीं होगा। ये पिक्चरों का मिरर आप आपको करना है या फिर आपको इसी तरह से कुछ ऑब्जेक्ट लेके उसके मिरर आप करना है। तो यहाँ तक हम अपना ये लेक्चर कंप्लीट करते हैं। अब हम आदि का नेक्स्ट लेक्चर